आज का सूत्र है, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। क्या? जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को सिद्ध करो। अच्छा, शुद्ध क्या है? जवानी में इतने सावधान रहो कोई ये ना कह ले कि ये आदमी ऐसा है, और बुढ़ापा ऐसा बनाओ कि तुम बैठे बैठे राम 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 जपते जपते तन से प्राण निकल जाए और तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाए। इसलिए मेरे पागलों, आज का सूत्र नोट करना है। जवानी को तुम्हें शुद्ध करना है, बुढ़ापे को सिद्ध करना है, और बुढ़ापा तभी सिद्ध होगा जब जवानी शुद्ध होगी, और जवानी तभी शुद्ध होगी जब तुम बचपन में प्रबुद्ध होगे। तो बाल्यकाल प्रबुद्ध कैसे पाएंगे? बाल्यकाल में प्रबुद्धता कैसे प्राप्त होगी? आहाहा, इसका उत्तर भी रामायण में गोस्वामी जी ने दिया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा। मेरे पागलों, बिना सत्संग सुने हुए, बिना सत्संग किए हुए विवेक की जागृति असंभव है, प्रबुद्धवान बनना असंभव है। इसलिए सत्संग की भूख तो बाल काल में ही होनी चाहिए। हनुमान जी को बाल काल से ही ज्ञान की भूख है। बालो समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, संकट काहू सो जात जगारो। ते बन अन करी विनती तब, ते बन अन करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। जिसे बाल काल से ही ज्ञान की भूख लगे वही होता है बुद्धिवान, बुद्धिमान, बलवान, ज्ञानवान, धैर्यवान, तेजवान। उसी के नाम को कहते हैं हनुमान। क्यों? बाल काल में ही उनको सूर्य को खाने की भूख लगी। भाई साहब ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को खा गए। अरे अरे, सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में क्यों खा गए? सूर्य है भास्कर, भास्कर है बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता। जिसे ज्ञान की भूख बाल काल में लग जाए वही हनुमान जी जैसा बुद्धिमान हो जाता है। महाराज, हमको कैसे लगेगी? हमारे अंदर ये भूख कैसे आएगी? एक उपाय है। क्या? जिसकी मां अंजना जैसी होगी उसी का तो बालक हनुमान जैसा होगा। मतलब सीधा सा है, जब माता पिता खुद पिक्चर देखेंगे ढिसुम ढिसुम, तो बेटा तो नचैया पैदा होएगा ही होएगा। बाद में माता पिता हमारे पास आकर प्रार्थना करते, गुरुजी हमारा बेटा बड़ा ठुमका लगाता है। अरे माताजी, जब बच्चा गर्भ में रहा होगा तब तुम खूब ढिसुम ढिसुम देखी होगी। अरे माता पिता के संस्कार से बालक के संस्कार परिवर्तित होते हैं। माता पिता धर्मवान होंगे तो बालक भी संस्कारवान होंगे, और बालक संस्कारवान होगा तो तुम्हारा बुढ़ापा सिद्ध हो जाएगा। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो।